क्यों मुझको लगता है रे, मेरे जीवन साथी बता। दिल क्यों धड़के रह रह कर, क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी। हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सुअसर, फिर क्यों मुझको लगता है रे, तेरा मेरा प्यार अमर। फिर क्यों मुझको लगता है रे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है रश्मि शर्मा। दोस्तों, रश्मि शर्मा बॉलीवुड सिंगर हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर आप स्टेज प्रोग्राम कॉन्सर्ट करती हैं। और पिछले लगभग 2 दशक से वो पूरे देश और दुनिया को अपनी मधुर आवाज़ से, संगीत से उनका मनोरंजन कर रही हैं। और आप बिल्कुल जो हमारे देश की एक बड़ी सिंगर रही हैं जिनका नाम है लता मंगेशकर, आप डिक्टो उन्हीं की वॉइस, उन्हीं की आवाज़, जैसी उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी उसी आवाज़ में आप गाती हैं। तो आज हम आपको मुलाकात कराते हैं रश्मि शर्मा जी से, जानेंगे उनके जीवन सफ़र और उनका संगीत के क्षेत्र में जो उनकी यात्रा रही है, उन सब तमाम बातों पर आज हम उनसे बात करेंगे। तो बात करते हैं रश्मि शर्मा जी से। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी। मैंने पहली बार जब आपकी वॉइस सुनी जी, तो ये फील ही नहीं हुआ कि लता मंगेशकर गा रही हैं, कोई और गा रहा है। चलिए, बहुत शानदार, आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। तो आप रश्मि जी बेसिकली कहाँ की रहने वाली हैं? बेसिकली तो देखिए, मेरा जीवन, मेरे जन्म जो है बनारस से है। वाराणसी में हम पैदा हुए, पले बड़े, वहीं से स्टडी की। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। तो आपकी जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो बनारस में ही हुई? जी जी जी, तो बिल्कुल। कौन कौन से स्कूल्स में आपने अपनी एजुकेशन ली? हमने 10th तक तो गोपी राधा बालिका विद्यालय था, वहाँ से मैंने 10th तक किया। उसके बाद सेंट्रल स्कूल, उसके बाद फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अच्छा, बीएचयू से आपने ग्रेजुएशन की है? जी जी जी, ग्रेजुएशन वहाँ से की मैंने। तो बनारस में आपका वहाँ जन्म हुआ। तो फादर आपके जॉब में थे या क्या करते थे? नहीं, मेरी फैमिली बिजनेसमैन है, मेरे फादर भी थे, मेरे दादा भी बिजनेसमैन थे। तो बेसिकली हम लोग इधर बुलंदशहर कोरजा के पास के हैं, पर मेरे दादा दादी बनारस पार्टीशन के पहले चले गए थे। और उसके बाद फिर वहाँ पे भी अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। फिर हम यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी, हम दोनों जगह से। मतलब फोर फादर्स आपके बुलंदशहर खुर्जा से थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे शायद जहाँ तक जानकारी है कि संगीत के भी घराने होते हैं ना, कि ये उस घराने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बनारस में भी कुछ ऐसा है ना? बनारस घराना है, पर मैं ऐसे पर्टिकुलर ऐसे किसी घराने से नहीं हूँ, क्योंकि सेमी क्लासिकल हमने राजन साधन मिश्रा जी के फादर थे, पशुपति नाथ मिश्रा, उनसे हमने थोड़ा सेमी क्लासिकल सीखा था, तो वो बनारस घराने के थे। ओके। और बाकी अगर म्यूजिक की बात करें तो किराना घराना ज़्यादा मतलब प्रभावित किया है मुझे, क्योंकि हमारे ये किराना घराना जो है बेसिकली पंडित भीमसेन जोशी और कई बड़े बड़े जो नाम हैं तो उनसे जुड़े हुए हैं। तो हम मतलब जो हम जिनसे हमने सीखा थोड़ा बहुत, जो म्यूज़िक था, मैंने जो म्यूज़िक की पढ़ाई की, तो वो किराना घराना से हमारे गुरु लोग, मतलब एक गुरु नहीं थे, कई थे, तो उनसे प्रभावित रहा किराना घराना। तो वो चीज़ें हमारे ऊपर भी आई। तो जो हाँ, वॉइस का जो कहते हैं ना कि वॉइस थ्रो करना,
जैसे आशा जी, लता जी बोलती हैं कि जब तक आपकी आवाज़ में, आपकी आवाज़ थ्रोइंग नहीं होगी तब तक आवाज़ की, आपकी आवाज़ में दम ही नहीं रहेगा। तो वो चीज़ें उस जगह से, उस किराना घराना से हमने वो चीज़ें सीखी। तो फैमिली में कौन कौन लोग थे आपके वहाँ? मेरे फैमिली मम्मी पापा जी और दादा दादी, तो मैं काफ़ी छोटी थी, दादी थी पर दादा की अर्ली एज, मतलब जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। और मेरे आठ भाई बहन। आप आठ भाई? हाँ, हम लोग आठ भाई बहन हैं। दो भाई, छह बहने हम लोग। ओके, इसलिए आठ। तो आपका कौन सा नंबर है? मैं हूँ चौथे नंबर से। चौथे नंबर से जी। तो सिस्टर्स बड़ी होंगी सब? नहीं, सबसे बड़े भाई थे, उसके बाद हम सारी बहने, पांच बहने, उसके बाद भाई, उसके बाद एक बहन। ओके, हाँ, वो तो दौर ऐसा ही था जी। तो आपने जब ग्रेजुएशन की BHU से, तो उसके बाद की फिर नेक्स्ट जर्नी क्या रही आपकी? मैंने BHU से सोशियोलॉजी में किया, मैं सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की, फिर उसी के बाद मैंने म्यूज़िक में किए, BMUS किया मैंने, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गई थी। अच्छा, म्यूजिक का आपने फिर एक डिप्लोमा किया, 2 इयर्स? नहीं, ग्रेजुएशन किया। अच्छा, ग्रेजुएशन किया आपने? हाँ, डिप्लोमा नहीं, ग्रेजुएशन किया। सोशियोलॉजी के बाद आपने फिर उसमें की ग्रेजुएशन? जी। तो संगीत में ग्रेजुएशन करने का विचार कैसे, मतलब बचपन से उस तरीके की कुछ चीज़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि 11th 12th में म्यूजिक मेरा सब्जेक्ट था। ओके, तो ये हुआ कि एक शौक था कि नहीं वो भी करेंगे, कुछ सीखे। तो उस टाइम में, तो आज तक जैसा, जैसे आज कंपटीशन है तो बहुत स्ट्रगल हो गया बच्चों के साथ, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो भी ग्रेजुएशन किया, और मैं जब सोशियोलॉजी में कर रही थी, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में थी, तो उसी समय किसी ने बोला कि यार तुम गाते हो थोड़ा बहुत, तो आप, तुम यहाँ से क्यों नहीं, एक डिग्री भी हो जाएगी। तो मैंने फिर फॉर्म भर दिया, फॉर्म फिलअप होने के बाद नंबर आ गया, फिर अपना चालू हो गई, वहाँ से शुरू हो गई जी। फिर म्यूजिक में किया, फिर वहाँ से करने के बाद कई अपॉर्चुनिटी आई, तो फिर देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे दिल्ली जाना चाहिए। ओके, मतलब पहला फर्स्ट स्टेप दिल्ली, क्योंकि सभी रिश्तेदार घर भी रहे यहाँ पे, तो इसलिए फिर दिल्ली में आ गई वहाँ से। तो दिल्ली में आने के बाद फिर आपने कुछ जॉब की है, या संगीत में स्टार्ट यात्रा रही, कैसे? नहीं, पढ़ाई के लिए आई थी, इन बिटवीन पार्ट टाइम काम भी करते थे। और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपने DTU यहाँ दिल्ली में आके क्या? यहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं अप्लाई किया था। ओके, तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते वो तो आधी रह गई, लेकिन उसी दौरान ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली, फॉर्म फिलअप किया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब वो भी उसी से रिलेटेड डिपार्टमेंट? हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें फिर मैंने वहाँ से फिर जॉब की जर्नी शुरू हो गई जी। फिर उसके पहले BHU में भी जब हम थे, बनारस में भी थे, तो बहुत सारा काम हमने वहाँ पे भी रह के किया, कि असली जर्नी तो वहीं से शुरू हुई कि जी, मैंने जी, फाउंडेशन तो वहीं जी तैयार हो गया था। वहाँ से ये था कि बचपन में अपने, जब स्कूल में थे तो हम लोग स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, ये चीज़ें थी, ये सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट क्या कि टीचर ने एक सब्जेक्ट बना दिया था कि भाई इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है, तो हम उसको एंजॉय करते थे। फिर पार्टिसिपेट करना, तो हमेशा फर्स्ट मिलता था, तो अच्छा भी लगता था। तो ऐसे करके फिर सबसे पहला मेरा जो अचीवमेंट था, वो था मेरा रशिया से। Okay. जो कि मैंने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, ऐसे ही बस आ गया था 11th क्लास में। तो मैंने एक 1000 वर्ड का, वर्ल्ड लेवल पे था वो, तो वो मैंने लिख के ऐसे ही भेज दिया था, पर उसका रिजल्ट आफ्टर 1 ईयर, उसके 1 साल बाद आने था। तो मैंने फिर, हम तो मस्त हो गए थे खेलकूद में, मेरी मदर ने बताया कि ऐसे ऐसे कोई लेटर आया है और कुछ पैसे आए हैं और आप देखो क्या है। तो क्योंकि उस समय के तो पेरेंट्स उतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते थे कि जैसे आजकल के हैं कि पेरेंट्स लग जाते हैं हमारा बच्चा ये करे हमारा बच्चा, वैसा ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ कर लिया, हाँ ठीक है, बस ऐसा वाला था। तो बस वो एक अचीवमेंट मेरा पहला था लाइफ का। तो उसमें तो शादी फिर आपकी जॉब के साथ साथ शादी फिर कौन सी? शादी मेरी 97 में हुई। तो उससे पहले आप अपना जॉब में लग गई थी? जॉब मेरा था जी, बिल्कुल। तो शादी का कैसे? शादी का ऐसे रहा कि मैं अपने हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड ताज से थे, और वहीं मैं मिली थी उनसे। मैं, हम लोग गए थे अपने मामा, अंकल थे हमारे, तो वो हम सबको लेके गए थे, और वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, ग्रुप चल रहे थे, तो अच्छा लग रहा। तो अंकल कह रहे तू भी कर,
तो मैंने कहा मैं मुझे नहीं अच्छा लगता है होटल होटल में गाना। कह रहा है ऐसा कुछ नहीं बेटा, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ा सा मॉडर्न है, मॉडर्न स्टाइल की है, मतलब ये सब चीज़ें ये नहीं कि वहाँ क्यों काम कर रहे हो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था हमारे घर में। तो मेरे हस्बैंड वहीं पे थे उस समय, उसी इंडियन रेस्टोरेंट था वहाँ पे जी ताज पैलेस में, तो वहीं मैं उनसे मिली थी। मिली क्या थी, बस ऐसे देख रहे थे। और फिर ये हुआ कि मैं उससे, मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, तो मेरे अंकल ने बोला कि शाम को तो खाली होती तो यहाँ पे भी काम कर लेना थोड़ा। जी तो मैंने कहा मैं काम करूँगी। तो वो बोले ऐसी कोई बुराई नहीं बेटा, काम तो कोई भी हो, कोई काम बुरा नहीं होता है। तो मैंने जस्ट फॉर 1 month किसी की जगह, किसी ने मुझे बुलाया, और वहाँ पे भी बड़ा कि भाई ऑडिशन होगा तो ये होगा, तो अब बगैर ऑडिशन के उन लोगों ने मुझे लिया नहीं। ऑडिशन हुआ, क्लियर किया GM ने, फिर मैंने 1 महीना काम किया, तो उतना वो नहीं था। वहीं फिर बातचीत हुई एंड फिर ही सेड कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ओके तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर ऑफिस से एक दिन उन्होंने प्लान बनाया, ऑफिस से आके फिर हम अशोका में मिले, बातचीत हुई, यानी डायरेक्टली प्रपोज मी, ओके डायरेक्टली प्रपोज मी। तो फिर उसके बाद खैर शादी, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा राज़ी नहीं थी, क्योंकि हम यूपी वाले हैं और वो लोग पंजाब के शर्मा हैं, तो बहुत ज़्यादा जिगजैग रही, लेकिन शादी हो गई। शादी होने के बाद ये नहीं पता था कि फैमिली को ये चीज़ें पसंद नहीं तो है। शादी होने की खुशी में कुछ हमारे व्यूवर्स को आप कोई अपना कोई ये गीत सुनाए, क्योंकि लता मंगेशकर का जिक्र हमने कर ही दिया है, तो व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बातें ही हो रही हैं, कुछ संगीत का तो कुछ हो नहीं रहा, तो कुछ सुनाइए, कोई आपका फेवरेट कोई सॉन्ग हो। बापे, चलिए लता जी का बहुत फेमस सॉन्ग है जो मैं सुनाऊंगी, जो मोस्टली लोग गाते भी हैं। आपकी नजरों ने समझा प्यार बिल्कुल, आपकी वॉइस एकदम उसी तरीके की है, थैंक यू। तो आपका मतलब दोनों लोगों का मतलब मनचाही शादी हो गई फिर, मतलब दोनों की हाँ जी खुशी एक हाँ, जो तरह से। बोलिए फिर आप कि आगे की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फिर? आगे की जर्नी ये रही कि हमारे इन लॉज को बहुत पसंद नहीं था म्यूजिक, वो उस चीज़ को बहुत अलग तरीके से लेते हैं, और अभी भी पंजाब के लोग तो थोड़े से फिर भी एक फ्रेंक टाइप के होते हैं, लेकिन नहीं शायद हो ऐसा लगता सकता है, बट है। अनफॉर्चुनेटली होता है, लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं मुझे मिला। और या तो कह लीजिए शायद हमारी मनचाही मैरिज थी, इस वजह से भी वो चीज़ें थी। अदरवाइज तो मोस्टली मैंने नहीं देखा है कि लोग, अगर आप उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो आपका बैकअप नहीं हो, जी लोग जी करते हैं ऐसा, लेकिन है अभी ऐसा नहीं है कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली है जो पसंद नहीं करती कि हमारे घर की बहू जाए कहीं गाए बजाए। और थोड़ा हमारा भी है, पर हमारे घर में इस तरीके का नहीं था। पर यहाँ आने के बाद उससे क्या हुआ कि मेरा काफ़ी चीज़ें बंद हो गई, ससुराल में आने के सो बाद इन फिर लॉज थोड़ा के पास, सा हाँ ससुराल में आने के बाद काफ़ी चीज़ें बंद हो गई मेरी, जो एक हमें आगे बढ़ रही थी। तो जॉब का क्या हुआ, मतलब जॉब मेरे को छोड़नी पड़ी, वो भी इन लॉज की वजह हाँ से? जी हाँ, वो सब छोड़नी पड़ी मुझे। तो जो संगीत की एक जो ज्वाला थी अंदर, कभी संगीत में आगे बढ़ना है, तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन उस टाइम रही होगी, क्योंकि जी जब आपकी मनचाही चीज़ें ना हो रही हो या मनचाहे सेक्टर्स ना आप ना जाएं, बिल्कुल तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन होती है, बिल्कुल, तो फिर उन सब चीज़ों से आप कैसे उनको मैनेज किया आपने? वो बड़ा कठिन सफ़र था मेरे पास, मतलब 3-4 साल का, बच्चे भी हो गए थे, और दोनों बच्चे हो गए थे उनको अच्छा, लेके। दो बच्चे हैं हाँ आपके मेरे दो पास? बेटी, एक बेटी एक बेटा है। ओके तो वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि कैसे मैनेज करें, और अंदर से ये था कि म्यूज़िक मेरे लिए एक मेडिटेशन का काम करता है हमेशा, जी कि मैं कुछ भी अभी भी स्टिल कि मैं कितने भी टेंशन में रहती हूँ, पर मेरे लिए म्यूज़िक सबसे, मतलब म्यूजिक एक का, खुराक जिसको बोलते हैं बिल्कुल वो बिल्कुल है। म्यूजिक है ये। तो क्योंकि 93 में जब सारेगामापा शुरू हुआ था तो सिलेक्शन मेरा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
राजन साजन सर की वजह से। वो उन्होंने बोला क्योंकि मैं उनकी गुरु की, उनके फादर की मैं शिष्या रही हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो वो मना कर दिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ यहाँ से। तो वो मुझे छोड़ना पड़ा। सारे गांव में आप गई थी? जी, 93 वाले जो 93 जो फर्स्ट जो जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ से आज इतने सारे रियलिटी शोज बने हैं। सोनू पहली बार उसमें आए थे, सोनू निगम जी, तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ से जैसे कहते हैं ना पीछे हो गए। तो लेकिन क्या है, म्यूज़िक की खुराक ऐसी है कि वो जाती नहीं है, कभी भी नहीं जाती है। तो कुछ मैं करती रही हूँ, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस कर गई। फिर मैंने 94 में हॉलैंड की कंपनी आई थी, तो उनके लिए मैंने कई प्रोजेक्ट उनके किए, प्राइवेट उनके कुछ प्रोजेक्ट किए जो काफ़ी हिट रहे वहाँ पे, हिंदी के, बॉलीवुड के सॉन्ग्स के, और कुछ प्राइवेट्स भी थे जिनके कैसेट्स हैं, वो मेरे पास अभी नहीं है। तो नहीं तो मैं आपको देती जी। तो वो तो था ही, रिकॉर्डिंग का मैं करती रहती थी थोड़ा थोड़ा, रिकॉर्डिंग करते रहते थे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल करती रहती थी, लेकिन शादी के बाद वो चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई मेरी, सब उन पर ब्रेक लग गया। जी ब्रेक लग गया। फिर आफ्टर ये मतलब 3-4 साल बाद फिर मैंने मुझे मिले यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़र थे रमेश जी, तो उन्होंने बोला कि आप काम शुरू करो। और फिर मेरे को लगा कि एक डेयर की अंदर से हिम्मत आई कि चलो करते हैं, बच्चे तो छोटे हैं लेकिन कुछ करती हूँ। तो मैंने विनोद जी के साथ, अमित, सुमित, सोनू, सबके साथ मैंने फिर कॉन्सर्ट्स वगैरह करना शुरू किया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ मैंने किया है, क्योंकि वो मोबाइल का ज़माना नहीं था जी। नहीं तो मोबाइल का ज़माना होता तो सारी चीज़ें होती हमारे सामने। उस समय तो कैमरे होते थे बड़े बड़े, जी जी, अब तो छोटे कैमरे हो गए, पहले बड़े बड़े कैमरे होते थे। उतना हम लोग कॉन्शियस भी नहीं रहते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट किए हैं आपने? मुझसे यूरोप में मोस्टली गई हूँ, और गल्फ बहुत ज़्यादा, हाँ जी, एशियन कंट्री में हांगकॉन्ग, सिंगापुर और थाईलैंड, काफ़ी ज़्यादा सब जगह घूमी हूँ। और दुबई का तो ये है कि वहाँ पे हमने वहाँ के राजा के लिए उनके नेशनल डे पे हमने किया था, मेरे पास उसकी क्लिपिंग है। तो मतलब उनके सामने जैसे ही इंडिया नाम आया जी। और मैं सामने आई हूँ, हर कंट्री के लोग थे, तो जैसे ही मैं आई हूँ वो एकदम से दोनों हस्बैंड मतलब लोग खड़े हो गए और मेरे को क्लैपिंग किया उन्होंने। अच्छा, मतलब इतना उनका प्यार है कि मैंने, अरे इंडियन से इतना प्यार है इन लोगों को। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ में अच्छी भी लगी। और जब मैंने कॉन्सर्ट करना शुरू किया तो फिर एक हिम्मत भी आई कि नहीं अभी रुकना नहीं है जी, चलो मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जा रही हूँ। फिल्म इंडस्ट्री से भी आया, टी सीरीज से मेरे पास आया था, वीनस वालों की तरफ से आया था, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भी दिया था, लेकिन वही था कि इन लॉस पसंद नहीं किया, फैमिली एक रीज़न होगी। और मैं फिर जो एक आगे बढ़ना था वो थोड़ा सा मेरा जो बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही थी डायरेक्ट मिल रही थी फैमिली की वजह से। जी 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 जी, बिल्कुल डायरेक्ट मिल रही थी वो, तो फैमिली, इसलिए आप बॉलीवुड में फिर कोई मूवीज वगैरह के लिए सॉन्ग वगैरह नहीं कर पाए। तो आप ये लगा रेगुलर फिर कॉन्सर्ट ही करते? हाँ, मैं रेगुलर कॉन्सर्ट करती रही, अच्छे प्रोग्राम शोज। कॉन्सर्ट आपने स्टार्ट कौन सी ईयर में किए थे फिर, जो फॉरेन वगैरह जाना स्टार्ट किया? कॉन्सर्ट तो देखो मैंने शुरू किया है 2000 से। 2000 से, या तो अभी जैसे जैसे जर्नी बढ़ रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उसके बाद फिर कभी दिमाग में नहीं आया कि अभी तो हम लोग मैच्योर हो गए, एक एज मैच्योर हो गई, अब मुंबई जाएं या उस तरीके की कुछ एक्टिविटी करें? नहीं, मुंबई देखो ऐसा है कि मुंबई जाने का इरादा था, मेरी फ्रेंड है अचिंत कौर, शायद आप जानते भी होंगे, मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरठ से, अचिंत कौर। ओके, वो क्या वो फिल्मों में बहुत आती है। और उसने मुझे 95 में ही बोला कि तुम बॉम्बे आ जाओ, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, पर मैंने ही बोला कि पता नहीं मुझे बॉम्बे से डर लगता है, तो कहती ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, और ऐसा नहीं था, अंकल वगैरह सभी हैं। तो लेकिन बस शादी के बाद फिर उस तरफ कभी ध्यान भी नहीं गया। तो अभी आप रेगुलर कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं, काफ़ी रेगुलर कॉन्सर्ट भी हैं, कुछ फाउंडेशन से भी जुड़ गई हूँ जी। और ये गादी स्मृति है जो पीएम उसके प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे भी, उन लोग से भी जुड़ी हुई हूँ, तो उनके लिए भी हम काफ़ी वर्कआउट करते हैं। जो गवर्नमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी आप लोग कार्य करते रहते हैं? बिल्कुल,
बेसिकली टीचर भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ, सिंगर तो हुई हूँ। आपका एक इतनी लंबी जर्नी हो गई, तो सबसे जो आपके दिल के करीब कौन सा गाना है जिसको आप पसंद करते हैं? मेरे हमारे व्यूअर्स को जरा आप तो सुनाइए। दिल के करीब तो एक ही गाना है लता जी का, लग जा गले के फेरे हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। लता जी ने भी क्या मतलब, उनको भी राइटर्स ने कितने शानदार शानदार सॉन्ग्स, एक से एक। लता जी की जो आवाज है आपकी, ये कब फील हुआ कि मैं लता की आवाज में आया? लोगों ने कैसे बताया आपको? लोग बोलते हैं लोगों को ही, मतलब आपको तो नहीं होता होगा, लोगों ने तो कभी पहली बार कहा होगा ना कि आप तो लता की तरह गाती हैं? काफी टाइम से, शुरू से काफी टाइम से बोलते रहे हैं कि काफी मैच करती है आवाज जी, पर वही है। तो लता जी से कभी मिलने की इच्छा नहीं हुई? नहीं, मेरे को मुझे याद है कि मिलना था मुझे उनसे जी, उनसे फोन पे भी बात हुई थी मेरी, मेरे अंकल ने करवाई थी, क्योंकि मेरे अंकल और राज सिंह डूंगरपुर साहब दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो पुणे में उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम आओ, मैं तुमसे मिलवाऊंगा जी। तो लेकिन वो सौभाग्य नहीं मिला कभी उनसे मिलने का, नहीं सौभाग्य जो मैं मिलना चाहती थी जी। जी जी, हाँ ये बिल्कुल, ये हर किसी के उसमें नहीं होता लक में की लता जी से, और अब तो खैर शी इज नो मोर, बट हमारे लिए तो अभी भी वही है। तो अभी घर में बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है, तो सब लोग है आपको मतलब सपोर्ट करते हैं सब? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड, बिल्कुल बहुत ज्यादा। अभी आपकी अभी क्या थॉट है, अभी आगे अगर आप बॉलीवुड में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अब तो शायद मुझे लगता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल तो जाऊंगी अगर मिली तो। हाँ नहीं बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी क्यों नहीं, ये तो जब आप रेगुलर वर्क कर रही हैं तो 100% मिलेगी, और कोई भी चीज़ समय से पहले तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, समय के पहले कुछ नहीं होता है। ये है कि भाई हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि अगर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नहीं, मेन है कि अगर हम बैचलर होते तो शायद फैमिली का तो मतलब मेरी बहनें, मेरे मदर फादर भी कहते थे, लेकिन ये था कि अब अकेले एकदम निकलना किसी के, क्योंकि साथ में कोई ऐसा नहीं है कि लोगों ने अकेले नहीं काम किया है। हाँ जी, लेकिन ये है कि अकेले निकल के काम करना और उस चीज़ को, और मैं मिल रही थी वो चीजें, ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं मिल रही। मतलब बड़ी क्लोज थी वो सब चीजें। हाँ बिल्कुल क्लोज थी, और एकदम शादी के बाद वो सब, उसके बाद भी वो सब इतनी टेंशन, वही काम काज तो ऐसी चीज है ना, म्यूजिक ऐसी चीज है, वो टेंशन से नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके लिए पूरा टाइम साधना है, साधना है तो बिल्कुल, तो वो नहीं कर कि अगर आपको रियाज करना है, पता चले कोई पीछे से बोल रहा है कि यार क्या कर रही है, तो वो चीजें फिर खत्म ही हो गई फिर उसके बाद, मुश्किल था। अभी रिसेंटली कोई कॉन्सर्ट आपने कहाँ किया अभी पीछे? अभी मैं गई थी हांगकांग, गई थी थाईलैंड, गई थी, और बाकी यहाँ पे तो दिल्ली में तो चलते ही रहते हैं। अभी गांधी स्मृति पे किया था, पीएम थे उस समय, वहाँ किया था, और बाकी अभी और भी आते ही जा रहे हैं तो करना है ही है। चलिए तो खैर बहुत शानदार आप कार्य कर ही रही हैं, और हम अपने व्यूअर्स और जो भी बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, मैं तो सीधा ही बोलूँगा कि भाई हमारी जो मैम है इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए आप, इनकी बड़ी अच्छी वॉइस है, और ये बड़ा सौभाग्य उन लोगों का होगा जिनके लिए गाना गाएंगी, क्योंकि लता जी के बाद बहुत रेयर वॉइस ऐसी हैं जो उनकी तरह गाती हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अभी कॉन्सर्ट्स में ही आपका सब चल रहा है? जी, वैसे प्राइवेट्स तो देखिए करते रहते हैं, अनप्लग्स भी किया है, बहुत कुछ करते हैं, बट वही है कि मूवीज़ की बात है तो वहाँ भी अगर लोग कहते हैं बॉम्बे जाओ,
बॉम्बे में काम मिलेगा और ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सिंगर्स कौन हैं जिन जिनके आपने साथ कॉन्सर्ट्स किए हैं, सिंगर्स किए हैं, कौन कौन लोग हैं, किन किन के साथ आप कर चुके हैं? ये एक तो हम विनोद राठौर जी थे, उनके साथ काम। विनोद राठौर जी बड़े पुराने सिंगर हैं, बहुत पुराने और बहुत ही अच्छे इंसान, बड़े अच्छे हिट सॉन्ग्स बहुत ज्यादा रहे हैं उनके साथ। काफ़ी ज़्यादा मैंने किया उनके साथ, तो काफ़ी किया है। फिर मैंने जब छोड़ा था तो उन्होंने मुझे बोला भी था कि मत छोड़ो, और एक मतलब अच्छी वो ट्यून। राठौर जी ने कभी नहीं कहा कि आप कभी किसी नहीं, के लिए ऐसा कोई नहीं बोलता है। अच्छा, मुझे बस इतना पता है कि जब 93 में सारेगामा शुरू हुआ था, कंटिन्यूसली थे, तब बस ये था कि सोनू उनके फादर ने, सोनू ने हाँ बोला था कि उनको शायद अब याद भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो कि तुम बॉम्बे चलो जी, बॉम्बे चलो। तो उस टाइम उतना सोचा नहीं, मैं उनसे ये कहती थी नहीं मुझे, तब मैं स्टडी भी कर रही थी और जॉब में भी आ गई, तो नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ी। मतलब एक जर्नी ऐसे ही थी, वो सब चीजें बहुत क्लोज होने के बाद भी नहीं हो पा रही। और सारेगामा के बाद ही सोनू काफी धीरे धीरे आगे बढ़े उसके बाद ही। हाँ बिल्कुल, उनको तो फिर वो रेगुलर, फिर गुलशन कुमार जी ने उनको देखा था, तभी उसके बाद उनको डुप्लीकेट जो गाने होते हैं उसका मौका मिला उनको, फिर तो आज तो खैर कहाँ पर हैं वो। नहीं, आपको भी अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे ऐसी आशा है। तो हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो सिंगर सिंगिंग के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही कहूँगी कि एक तो हार्डवर्क करना नहीं छोड़े, दूसरी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ हासिल होती है तो उसमें उसको ज़रूर करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं आती, और अगर आती है तो उसको तुरंत ग्रैब करें जी जी, और उसमें पूरा अपना 100% दें, क्योंकि बगैर 100% के आपका कुछ नहीं। आप सोचो कि मैं बहुत अच्छा सिंगर या मैं बहुत अच्छी सिंगर बन सकती हूँ या मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, इस चीज़ भ्रम में कभी नहीं रहें कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा खुद भी मजना पड़ता है, रियाज सबसे ज़्यादा मेन है। कोई अच्छा गुरु देखें जो रियाज आपको कराए, और जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करें और उसी को धीरे 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 करके उसकी सीढ़ी पे चढ़ते जाएं, जो हम नहीं कर पाए। मतलब हमें बहुत कुछ मिला लेकिन हम उस चीज़ को ये सोच के हाँ ठीक है ऐसे करके चलते गए, तो वो चीज़ नहीं होना है। क्योंकि मैंने ये एनसीसी में आए थे, हमने राष्ट्रपति की परेड की थी उस समय, आप एनसीसी में रहे? जी जी जी, कौन सा सर्टिफिकेट था आपके पास? सी सर्टिफिकेट करके बैठे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो और बेस्ट बेस्ट पूरे नेशनल उस पे बेस्ट कल्चरल का मुझे वो मिला था, आर्टिस्ट का जी जी अवार्ड मिला था, और आई हैव पिक्चर्स हैं। फिर उसके बाद कटनी में होता है पूरा नेशनल लेवल पे किरण संगीत समारोह, उसमें भी मैं बेस्ट उसके लिए सिंगिंग के लिए गई थी, तो उसमें मुझे मिला था। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो मिले हैं, लेकिन ये है कि करियर बनाना चाहती थी, लेकिन ये था कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन एक चीज़ देखिए जी, कैसे सरकम चांसेस होते हैं कि बॉलीवुड में मैक्सिमम किसी भी फील्ड में, चाहे वो एक्टर्स हों या डायरेक्टर्स हों या राइटर्स या सिंगर, स्टार्टिंग फेज में सब लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने पूछा तो आपसे नहीं है, लेकिन ये सब परेशानी आपके साथ तो नहीं रही? नहीं, क्योंकि आप इतना कॉन्सर्ट्स करती हैं, फाइनेंशियल तो आपको कोई दिक्कत रही नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ यही है कि एक अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिली कभी किसी मूवीज में आपके सिंगिंग रही हो। नहीं, फिर ये भी हमेशा रहा है कि कभी ध्यान नहीं दिया, कि मुझे ऐसे लगता है कि कितने भी ऐसे सिंगर ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, सुमन कल्याणपुर जी हैं जी, लोग उनके पास नहीं जाते हैं, वो लता जी की कॉपी हैं। ओके, उनके पास कोई नहीं जाता है कि हाँ भाई आप लता जी, और उन्होंने कितने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, और लेकिन उनको आज तक कोई पूछने भी नहीं जाता है कि हाँ भाई आप लता जी की कॉपी हैं और आप ऐसी हैं वैसी हैं, कोई नहीं जाता है। मैंने खुद मैं उनकी कज़न सिस्टर से दुबई में मिली थी, और वो इस बात का उनको बहुत ज़्यादा गम है, गिल्टी थी कि मैं इतना, क्योंकि वो दोषी ठहराती हैं, किसी को भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इतना कुछ करके आज बैठे हुए हैं घर में।
लेकिन अब तो प्लेटफॉर्म यहाँ सोशल मीडिया का ऐसा है, क्योंकि हमारे टाइम तो नहीं था ना, अगर हमारे टाइम होता तो हम भी आज पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। मेन बात ये है, सोशल मीडिया तो मेन आजकल प्लेटफॉर्म, आप छोटी सी चीज होती है आप उसमें डाल दिए, यूट्यूब में डाल दिए है और इंस्टाग्राम, किसी भी क्लिक हो गया तो वो आदमी एकदम आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल। एक कोई और बहुत शानदार सा कोई सॉन्ग आप बताइए, आपकी कोई चॉइस होगी। चॉइस तो मेरी कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि लता जी के सॉन्ग्स सुने तो बहुत हैं, पर पता नहीं क्या है, मुझे पहले तो बहुत शौक था, अभी क्या है वो सब चीज़ें उतना ज़्यादा कंसीडर मतलब होती नहीं है। हाँ। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई सॉन्ग सुनाएंगे ना, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। मैं क्या सुनाऊं, ये भी ये बड़ा सोचना और सोचने का विषय हो जाता है जब कोई पूछता सुना है। दीजिए जो भी याद आ जाए, कोई नहीं। तेरा मेरा प्यार मैं फिर क्यों मुझको लगता है रे, मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह रह कर, क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी, हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चाहत का है हर सुअसर फिर क्यों मुझको लगता है रे, तेरा मेरा प्यार मैं फिर क्यों मुझको लगता है रे। मेरा मन तो यही कर रहा है, मैं सुनता ही रहूं। मैंने एक दो एक गाना लिखा था, आई वॉज वेरी यंग उस टाइम पे, तो एक था भीजी जात है चुनर, ये कृष्ण जी के लिए बनाया था, क्योंकि मेरी मदर भी लिखती थी, मतलब ऐसे अपना जी। भीजी जात है चुनरिया खोल दे कि बढ़िया मोहन खोल दे, भीजी जात है चुनरिया खोल दे कि बढ़िया मोहन खोल दे, उमड़ घुमड़ घन बदराए बरसे धीरे धीरे, उमड़ घुमड़ घन बदराए बरसे धीरे धीरे, आधी रात मोहे डर लागत है, आधी रात मोहे डर लागत है, कांपो जमुना तीरे मोरी दूर है नगरिया, खोल दे की बढ़िया मोहन खोल दे, भीजी जात है चुनरिया खोल दे की बढ़िया मोहन खोल दे। बहुत शानदार। अभी लाइफ का एक बड़ा दौर आपने जिया है, तो अभी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भी करना चाहते हैं, जिनका ये है कि मैं ये नहीं कर पाई, ये तो है ही, एक तो कभी मूवीज में सॉन्ग आपके नहीं हो पाए, लेकिन इसके अलावा भी और क्या क्या चीज़ें हैं जो लाइफ में नहीं कर पाई और करना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है अभी लाइफ का, क्योंकि बस ये है, मूवी का भी नहीं, कि अगर काम मिलेगा तो ज़रूर करूँगी, और नहीं मिलेगा तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो मैं कर रही हूँ जी सिंगिंग का, वो मैं करती रहूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं, उनको नहीं अपॉर्चुनिटी, गाते भी बहुत अच्छा है लेकिन नहीं अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, तो रिग्रेट कोई नहीं है लाइफ में कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, और बहुत पैसे के पीछे भी मैं भागती नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं कि चलिए मैं साउंड हूँ, लेकिन मैं भागती नहीं हूँ पैसे के पीछे कि हाँ मुझे ये पैसा चाहिए या मुझे ऐसा करना है वैसा करना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत जो आजकल की आधुनिक दुनिया है उसकी तरफ मैं भागती भी नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ बट मैं नहीं चाहती हूँ। और बस ये है कि आने वाले टाइम में
मेरा एक बस डिज़ायर है लाइफ का कि मेरे बच्चे जो हैं उनको कोई फोर्स, मतलब मैं कभी प्रेशर नहीं देती हूँ, वो जो करें अच्छा करें। और बस एक चीज़ है कि जो आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है फैमिली का, कि पेरेंट्स की वैल्यू लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मतलब जो भी ओल्ड एज होम एज का है जी जी, वो एक आगे सोच रही हूँ, मतलब सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर पे। और एक मंदिर बनाना चाहती हूँ, मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है। साईं बाबा की भी मैं भक्त रही हूँ, तो उनके लिए एक मंदिर बनाना चाहती हूँ। तो ये दो चीज़ें हैं, बाकी तो जर्नी चलती रहेगी जी, मेरी जी, नहीं, चलिए तो अच्छा है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो दो मनोकामनाएं हैं जल्दी पूरी हों, और ये समाज और राष्ट्र हित की ही चीज़ें हैं, और एक अच्छे इंसान को इस तरीके की चीज़ें करते रहना चाहिए। शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हमारे साथ दूसरी लता मंगेशकर मैं बोलूँगा, रश्मि शर्मा जी, इनसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, और आपने अपने जीवन की जो कुछ बातें हैं हमारे साथ साझा की, और दर्शक भी आपके जीवन से कुछ प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए वो भी अग्रसर होंगे। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थी रश्मि शर्मा जी, ये बहुत शानदार सिंगिंग करती हैं और बड़ा एक लंबा इनका सफ़र है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया, मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।